Hello friends, today I'm going to make the WhatsApp type application. Basically it's for design. So Windows plus notepad. Actually aaj mere student ne request kiya ki sir we want to make the WhatsApp type application, and basically before making the programming we have to firstly achieve the design. How we can design the WhatsApp type application? WhatsApp app design. So basically WhatsApp application design will contain the one activity class and three fragments. Actually wo three fragments jyada hota hai, but we are going to provide the three fragments. So hum yahan pe kya achieve karenge aaj, main aapko ek dikha deta hu. Just give me a second. UI. Find device, Android, select, here, this is my device, just give me a second. So ये मेरा voice record हो रहा है, and guys आप देख सकते हैं WhatsApp, this is the chat section. Firstly activity launch हुआ, then इसमें आप एक chat fragment देख सकते हैं, status fragment. This is the advertisement, I don't like it. This is the chat fragment, status fragment and the call fragment. So basically hum bhi chahte hain ki hum apne fragment isi tarah se design kare, chat, status, call, to inko kis tarah design karenge. Actually what is the profit? The profit is ki fragment kyon banaye jaate hain. Firstly hame ye janna zaruri hai, activity kya hoti hai, fragment kya hote hain. तो गाइस एक्टिविटी क्या करता है आपको, व्हेन यू आर गोइंग टू लॉन्च द एक्टिविटी, तो बेसिकली इन द बैकग्राउंड देयर आर थ्री मेथड विल कॉल, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम. सो अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जंप करते हैं तो ये लाइफ साइकिल रिपीट होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस टाइम इंक्रीज कर जाता है. अब हम चाहते हैं कि अपने दूसरे व्यू पे हम इंस्टेंटली जंप करें लाइक दैट. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, दिस वन, तो आप एक चीज़ देख रहे हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग सम व्यू आप अपने व्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका टाइम इतना नहीं लग रहा. तो बेसिकली फ्रैगमेंट किसके अंदर होता है, एक्टिविटी के अंदर होता है, इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ द एक्टिविटी. आपका मेन काम क्या होता है, पहले एक्टिविटी बनाना है एक सिंगल, फिर उसके बाद आप तीन फ्रैगमेंट बनाएंगे. तो किस तरह डिज़ाइन होगा, कैसे हम बनाएंगे, वो सब मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक ट्यूटोरियल. सो वी आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, फाइल न्यू न्यू प्रोजेक्ट. Here application name is WhatsApp design. We have to give next. We are taking the tab activity. Iska profit hai kyunki aap chahenge ki isme aapko view pager and tabs aapko automatically mil jaye, taki aapke liye workload kam ho jaye. Ab basically agar koi cheez feature hame android provide kar rahe to hame usko use karna chahiye. Next आपका मेन काम होगा यहाँ पर, यू हैव टू चेंज द नेविगेशन स्टाइल फ्रॉम द स्वाइप व्यू पेजर टू एक्शन बार टैप विद व्यू पेजर, क्योंकि हमें एक्शन बार चाहिए व्यू पेजर के साथ. नाउ यू हैव टू क्लिक फिनिश, जस्ट गिव मी अ सेकंड. एक्चुअली मैं वो वीडियो को पॉज नहीं कर सकता, आपको सॉरी, पूरा वीडियो मेरा सुनना पड़ेगा और ये प्रोसेस भी देखना होगा, क्योंकि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों अलग साइड वर्क करता है, मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड सिस्टम में वीडियो रिकॉर्डिंग. तो समहाउ प्लीज़ मैनेज कीजिए इस चीज़ को थोड़ा सा. ओके, नाउ हियर वी हैव टू कम. सो द कंसर्न इज बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हम भी तीन फ्रैगमेंट बनाएं, एक चैट, कॉल एंड स्टेटस. मुझे भी इस तरह के तीन फ्रैगमेंट डिज़ाइन करना है. सो कैसे डिज़ाइन होगा देख लेते हैं. हम जावा के फर्स्ट पैकेज में जाएंगे, देन वी हैव टू क्लिक राइट, देन वी हैव टू राइट क्लिक ऑन द जावा फर्स्ट पैकेज न्यू. हियर यू हैव टू सीन देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट पे आपको राइट टैप क्लिक करना है, फ्रैगमेंट आपके सामने एक ब्लैंक फ्रैगमेंट का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू क्लिक एंटर, एंड हेयर यू हैव टू जस्ट अनचेक दिस टू बॉक्स, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ इंटरफेस कॉल बैक एंड वी डोंट वॉन्ट सब फैक्ट्री मैथड्स. हमें केवल एक एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है एंड वन जावा क्लास. So we are, I'm going to change the name from the blank to chat, chat,
Now I'm going to click on the finish. It take one minute. Just give me a second. I'm clicking on the finish. Oh shit. It take time. Okay, now after that I'm again going to click right click on the first Java first package. You have to repeat this step for two times, one for chat activity, one for status, and one for call. STATUS. Oh shit, I'm missing to uncheck these two boxes. Control Z again, Java first package, right click, new. Just give me a second. When you are going to create some activity, create some fragment, on that time you are not going to proceed some another task in your Android Studio, because on that time your project is not ready straight. So right click, new fragment, blank fragment. Just give me a second. Updating is working. Right click, new fragment, blank fragment. I'm going to give the name as the home. HOME. Uncheck these two boxes. Now click on the finish. Now you have to wait. Here you can see this. The home fragment is also created. And somehow I'm providing the wrong name. So if you want to rename your fragment, just click Shift plus F6. So instead of home, I'm going to give the name as the call, CALL. Then you have to click on the refactor. It will change in all the Java side. Again, you have to go to the Java first package, right click, new fragment, blank fragment. Instead of blank fragment, you have to change the name. The name should be status, STATUS. Enter. Again, and did the same mistake. Right click, new. Just give me a second. Right click, new fragment, blank fragment. Instead of blank, we have to give the name as the status, STATUS. Uncheck these two boxes. Then click on the finish. Now after that, I'm going to make some background. I need to give some background to the status, call, and chat fragment simultaneously. So when we are switching the fragment, on the time you will see the difference. Otherwise, both screen should be white, so you can't identify which one is the chat, which one is the contact, and which one is the call or status. So I'm going to give the background to that particular page as 000. This is the black color background. In the chat activity, I'm also going to the XML side. So you have to click control and you have to click over here, fragment chat. Then you have to just direct go to the Java side, and here you have to give the background to this particular page has 000. So here you have to click on the black color. If you want to give the red color, so you have to select the red one. Now you have to go to the call, just scroll down the code. Then you have to go to the fragment again. You have to give the background has 000, and here you can change the color clicking by here. If you like to give the violet color, so you can take violet one. Okay, fine. Now after performing these tasks, come to the main activity side, and what you have to do, just come below and just remove this class placeholder. So please, because I already created these three fragments, so there is no need to create some another fragment. So I'm going to remove the fragment, this one, backspace. Now here you will got the error. So I'm also going to return the fragment, but how you can see this, I'm also going to remove this line. Now firstly, I'm using the fragment,
So for switching the fragment, you have to firstly take the fragment. By default, we are going to initialize with the null object. So when we are clicking, we are putting the if condition. If condition is basically based on the position. So from where you have to go got the position, this is 3, the get count. The get count return 3 value. So it means you have to receive 3 position over here. 1, 2, 3. So if the position equals to 1, it means to say in the first fragment I want to open the chat one. So here I'm going to call the fragment equals to new chat fragment, and else if someone is going to someone is wants to go to the position number 2, so in the position 2 fragment will open the status one, status status fragment. In the last condition, in the else part, if the person are going to the position third, so the fragment will open new call fragment. So basically हमने क्या किया, हमने फ्रैगमेंट के अंदर इन जब हमारी पोजीशन वन है हमने चैट फ्रैगमेंट पास किया, व्हेन द पोजीशन इज टू हमने स्टेटस फ्रैगमेंट को पास कर दिया, व्हेन द पोजीशन इज 3 हमने कॉल फ्रैगमेंट को पास किया. तो अपने बेसिकली एक कंडीशन लगाई है. इन द लास्ट हमने रिटर्न किया अपने फ्रैगमेंट को, क्योंकि आप एक चीज़ जानते हैं कि आपके सारे जो फ्रैगमेंट क्लासेज हैं वो फ्रैगमेंट्स के अंदर पास हुए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रन द एप्लीकेशन. बहुत ईजी है, जस्ट आप रन कीजिए. ए डी बी कनेक्शन इज़ फाउंड. आई थिंक मेरा एडीबी कनेक्शन थोड़ा हिल गया है, सो मैं अपने मोबाइल को रिकनेक्ट कर लेता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. एक्चुअली कभी कभी मेरा मोबाइल भी साथ नहीं देता. गिव मी अ सेकंड. अदरवाइज मुझे वॉच डिवाइस पे रन करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू जस्ट क्लोज दिस वन. सो आई थिंक माई कनेक्शन विल बी फाउंड. इनिशियलाइजिंग एटीपी. या दैट वन. सो दिस इज माई मोबाइल. आई एम गोइंग टू रन and I'm going to show you the screen from this software. View. The Gradle is still running. You have to wait. Guys, इसके साथ साथ मैं जल्दी और अडेप्टर की वीडियो एंड्रॉयड के रिगार्डिंग पोस्ट करने वाला हूँ. सिंपल अडेप्टर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है. बिसाइड दिस मैंने अब तक 4 डेटाबेस ऑलरेडी वीडियोस के डाल दिए हैं, जिसमें शेयर्ड प्रेफरेंस, एसक्यूलाइट, रियल एम, आपका माई एसक्यूएल, ये सारे डेटाबेस कवर हो चुके हैं. जल्दी से मेरे को रियल टाइम और माई एसक्यूएल का वीडियो बनाना है. ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन भी आप देख सकते हैं, क्यूआर कोड जनरेट. तो काफ़ी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, और भी जैसे आपकी रिक्वेस्ट होती है तो आप मुझे बता सकते हैं. तो हेयर यू कैन सी दिस, दिस इज़ द टैब 1, टैब 2 एंड द टैब 3. व्हेन आई एम स्विचिंग द टैब, आप एक चीज़ देख सकते हैं, द कलर आल्सो चेंज. व्हेन आई एम गोइंग टू स्विचिंग द टैब, द कलर आल्सो चेंजिंग. सो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है. ठीक है, ये इजी है काफ़ी आपके लिए, जैसे आपको कभी करना हो इस पे काम तो इट्स रियली इजी फॉर यू. ठीक है, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है कि इफ़ यू गॉट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, टू वर्क ऑन दिस पार्ट, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वॉट एवर. अगर जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप मुझे बता दीजिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑन योर, ठीक है, कि मैं यहाँ से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. And if you like my video, if you like my channel,
सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस के जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ एंड्रॉयड आईओएस की, आपको अपडेट्स मिल जाए ताकि आप अपने घर पर बैठ के चीज़ों को इजीली लर्न कर सकें. ओके, सो थैंक यू गाइस, मैं इसको क्लोज करता हूँ, एंड सेम साइट मुझे यहाँ पे भी क्लोज करना होगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वीडियो आगे रह जाएगा और ऑडियो पीछे.